हिंद दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे TA के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया था। सो ये उससे रिलेटेड वीडियो है जिसमें हम TA के बारे में जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सब कुछ कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग व्हाट इज़ TA, इनकी सैलरी क्या होती है, आप इसमें कौन से रेजिमेंट में जा सकते हैं, ट्रेनिंग पीरियड क्या होती है। इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि एक रिक्रूटमेंट कैंडिडेट अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो के बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज़ टेरिटोरियल आर्मी। तो ये एक मिलिट्री फोर्स है जो इमरजेंसी के काम एज अ बैकअप हमारे रेगुलर आर्मी के काम आती हैं। सो ओरिजिन की बात करें, द मॉडर्न टेरिटोरियल आर्मी वाज इनॉग्रेटेड बाय फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचार्य ऑन 9 अक्टूबर 1949। और इसी 9 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ टेरिटोरियल आर्मी डे। अगर मोटो की बात की जाए तो मोटो है इनका सावधानी व सूरता। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो टेरिटोरियल आर्मी ने बहुत ही ज़्यादा हमारे युद्ध के टाइम में मेजर रोल प्ले किया है। न सिर्फ युद्ध बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनमें टेरिटोरियल आर्मी ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इंक्लूडिंग 1961 वार। होता क्या है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब 1961-62 का वार हुआ था तो हमारे जो रेगुलर ट्रूप्स है वहाँ संख्या कम पड़ गई थी, मीन्स हमें एक बैकअप की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे रेगुलर आर्मी से हटके जो टेरिटोरियल आर्मी एज अ बैकअप था उन्होंने इसे बैकअप प्रोवाइड कराया फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर रेलवे से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी थी, ये चीज़, ये सारा काम जो है टेरिटोरियल आर्मी ने किया। तो आप यहाँ से ये क्या मेजर रोल प्ले करते हैं इस बात को समझ सकते हैं। अब बात कर, आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट TA फीमेल ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट शिल्पी गर्गमुख। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड को हम एक डिटेल वे में कवर करेंगे क्योंकि यहीं पर लोगों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसी कारण बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हैं। सो इस स्लाइड के थ्रू आपके जो भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, जो क्वेरी है, वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा TA एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन सभी इंडियन सिटीज़न को जो आर्म फोर्स में सर्विस करना चाहते हैं लेकिन या तो वो ओवर एज्ड हो चुके हैं या वो अपने रेगुलर जॉब के साथ कंट्री को आर्म फोर्स के थ्रू सर्व करना चाहते हैं। सो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ मेल एलिजिबल थे फॉर TA एंट्री, बट नाउ फीमेल भी एलिजिबल हैं तो वो भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। अगर दूसरा कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। नेक्स्ट है एज लिमिट की बात की जाए तो बिटवीन 18 to 42 ईयर होना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 18 to 42 ईयर। तो इस चीज़ में लोग मोस्टली लोग इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि 42 ईयर आर्मी में पॉसिबल है या नहीं। सो हाँ, अगर वो टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू जाते हैं तो 42 एज तक वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर फिजिकल कंडीशन। नाउ उन्हें ग्रेजुएट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो एक कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसके अलावा जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है, फ्लैट फुट वगैरह नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए, मीन्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए।
और इसके अलावा सर्विंग कौन नहीं एलिजिबल, सर्विंग मेंबर ऑफ रेगुलर आर्मी नेवी पुलिस JRE मीन्स BRO पैरामिलिट्री इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस। अब बात आती है रिटन एग्जाम के पैटर्न की, तो टाइम जो है टोटल दो सेक्शन होते हैं, ठीक है, इसमें दो 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 घंटे का दो पेपर होगा। इसके अलावा टाइप ऑफ एग्जाम, द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR सीट आपको मिलेगी, उसे फुलफिल करना होगा। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो हर सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल 50%, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जैक्ट करके बताऊंगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो वन एंड हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सी, इसमें दो पार्ट होगा, दो शिफ्ट में पेपर होता है। बेसिकली जो पार्ट वन होगा, जो पहला शिफ्ट होगा उसमें रीजनिंग और मैथ होगा, दूसरे वाले में जनरल नॉलेज और इंग्लिश होगा। दो दो घंटे का दो पेपर होगा, एक ही दिन होगा। और टोटल नंबर अगर बात की जाए तो हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर का हर सब्जेक्ट होगा। मीन्स पहला जो शिफ्ट होगा जिसमें दो पेपर होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा, और दूसरा शिफ्ट भी 100, मीन्स टोटल 200 मार्क्स। पहले सब्जेक्ट की बात की जाए 15 मार्क्स का होगा रीजनिंग, तो इसमें अगर 40% कहा जाए तो यानी 20 मार्क्स। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 50, इसमें भी 40%, मीन्स 20 मार्क्स। और ओवरऑल आपको लाने हैं 100 में पहले वाले शिफ्ट में 50%, मीन्स 50 मार्क्स। यानी अगर आप 40+40 क्वालिफाइंग भी लाते, 20+20 40 क्वालिफाइंग भी लाते हो, तो भी आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको मिनिमम एक शिफ्ट में 50 मार्क्स लाने होंगे इंडिविजुअल 20-20 हर सब्जेक्ट में। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं PIB की। जैसे आप रिटर्न क्लियर करते हो, इसके बाद आता है PIB। ये एक छोटा सा इंटरव्यू प्लस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। पहले ये 2 दिन का होता था, इस बार से ये 1 डे का कर रहे हैं। सो बेसिकली आप कंक्लूड कर सकते हो डे 1 डे 2 को एक दिन में, मीन्स एक ही दिन में। पहले दिन जब जाओगे आप तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा एक फॉर्म मिलेगा जिसके 5 कॉपी होंगे, उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, फादर नेम, करंट जो आप जॉब कर रहे हो उसके बारे में लिखना होगा। डे 2 में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें 5 ऑफिसर होंगे इंक्लूडिंग 1 साइकोलॉजिस्ट। अराउंड 10-15 मिनट का एक इंटरव्यू होता है। PIB क्लियर करने के बाद आपको 15 डेज के बाद ही SSB के लिए कॉल आ जाता है, अराउंड 15 डेज के बाद। इसके अला बाद अगर आप SSB क्लियर कर लेते हैं तो मेडिकल क्लियर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप TA के लिए फाइनली क्वालिफाई हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कैसे होगा, इसमें बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इनफैक्ट नेट पे इसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत ही कम जगह इसे क्लियरली बताया गया है। इसके बारे में अगर बात की जाए, सी पहले हमें ये समझना होगा कि TA में बेसिकली हमें दो पार्ट होंगे। पहला जो है TA डिपार्टमेंटल होगा, दूसरा नॉन डिपार्टमेंटल TA। डिपार्टमेंटल TA क्या है, TA आर्मी बिलोंग करते हैं रेलवे, ONGC या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, तो ये आ जाएंगे डिपार्टमेंटल TA में। और नॉन डिपार्टमेंटल की बात की जाए तो जो आर्मी के साथ एसोसिएटेड होंगे, फॉर एग्जांपल इन्फेंट्री के साथ कोई एसोसिएटेड हैं तो इन्हें नॉन डिपार्टमेंटल कहा जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप इन्फेंट्री, आर्मर्ड, इन सभी में TA के थ्रू भी जा सकते हैं। नॉन डिपार्टमेंटल मतलब क्या हो गया, जो डिपार्टमेंट के साथ ना जुड़ा हो। डिपार्टमेंट क्या, जो रेलवे हो गया, ONGC हो गया, इन सभी के साथ जुड़ा ना हो। अब बात की जाए ट्रेनिंग की। नॉन डिपार्टमेंटल की बात की जाए तो इसमें दो केसेस होते हैं, अर्बन सिस्टम एंड प्रोविंशियल सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन सिस्टम की। अर्बन सिस्टम की बात की जाए तो ये वीकेंड एंड हॉलीडे पे होता है। एक ईयर में मिनिमम 13 डेज एंड मैक्सिमम 16 डेज का होता है। इसके अलावा 14 डेज का कैंप इसमें इंक्लूड किया जाता है, मीन्स 13 डेज और मैक्सिमम 16 डेज के बाद 14 डेज कैंप इंक्लूडेड। आफ्टर ट्रेनिंग
when they got commissioned, then there is a 10 days post training. ठीक है, इसके बाद जब वो कमीशन्ड हो जाते हैं 10 डेज की पोस्ट ट्रेनिंग हो. इसके अलावा प्रोविजन सिस्टम की बात की जाए तो एक ईयर में 2 कैलेंडर मंथ मींस 2 मंथ का होता है. नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया के नाम से. अब बात करते हैं कॉमन डाउट अबाउट TA. फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हमारे इंस्टाग्राम पेज इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया है वहाँ से मैंने पिक किया है. इसके अलावा जो आपने मैसेज किया था और टेलीग्राम से पे वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलर आर्मी एंड TA बोथ आर सेम. हाँ, दोनों सेम होते हैं. ठीक है, इन सिर्फ आप डिफरेंस क्या है, जो रेगुलर आर्मी है वो ऑलमोस्ट सारा टाइम हर टाइम सर्विंग करती हैं. TA में क्या है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस समय आपको बुलाया जाएगा. कैन वी, दूसरा है, कैन वी गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी थ्रू TA. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडियन आर्मी में ऑफिसर की बहुत ही ज़्यादा कमी है. सो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको परमानेंट कमीशन मिल सकता है. तो हाँ, चांसेस होते हैं कि आपको परमानेंट कमीशन मिल जाए. इज़ दी पर्क एंड सैलरी इज सेम एज कम्पेयर टू रेगुलर आर्मी? तो आंसर है हाँ, जो सैलरी और जो पर्क हैं सारे सेम होते हैं, इंक्लूडिंग कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी जो आपको जो आपके फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, इसके अलावा जो अलाउंस हैं वो सारी चीज़ें सेम होंगी. अब बात करते हैं, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन गेट NOC फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नहीं, हर किसी को नहीं मिल सकता. फॉर एग्जाम्पल, जो पैरामिलिट्री से हैं या BRO से हैं या ऑलरेडी सर्विंग पर्सन है तो उन्हें TA वो एलिजिबल नहीं है. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि इसके लिए अलाउ नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्टेट पुलिस में हो, वहाँ पर आप इंस्पेक्टर हो, ये डिपेंड करेगा. तो मोस्टली इन केस में उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है. इसके अलावा अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वो अलाउ करती है या नहीं, इसके लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से पता कर सकते हैं. नेक्स्ट है, TA ऑफिसर कैन अप्लाई फॉर स्पेशल फोर्स? यस, डिपेंड्स अपॉन दी फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन. वो स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. इसके बाद उसे जो प्रोविज़न पीरियड होता है उसे क्लियर करना होता है. डू वी गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट? हाँ, अगर आपने 20+ ईयर सर्व किया है तो आपको पेंशन भी मिलेगा. आप MS धोनी को देख रहे हैं तो कुछ फेमस पर्सनैलिटी लाइक MS धोनी, कपिल देव को डायरेक्टली TA में एज एन ऑफिसर कमीशन किया गया था. बट कुछ लोग हैं जैसे कि अनुराग ठाकुर, वो उन्होंने SSB के प्रोसेस को फॉलो किया था. सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारी डाउट क्लियर कर दिया होगा. अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.